योगी यूथ ब्रिगेड एवं धर्म रक्षा ट्रस्ट के बैनर तले राजपुर चुंगी स्थित फार्म हाउस पर संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। संत सम्मेलन में बड़ी संख्या में आगरा, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज से आए भागवताचार्य एवं संत महात्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संतों और भागवत आचार्य ने सनातन धर्म का विस्तार, रक्षा, सुरक्षा और उसकी परंपराओं को सहजने की बात कही। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में प्रेम और सौहार्द वासुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होना बताते हुए कहा कि आज कुछ विद्वानों द्वारा सनातन धर्म पर अनेकों प्रकार से प्रहार किए जा रहे हैं, परंतु सनातन धर्मियों ने हमेशा विश्व को ज्ञान का प्रकाश और विश्व कल्याण किया है। वक्ताओं ने सनातन धर्म की ऐतिहासिक निशानियाँ, मंदिर मठ, प्राचीन पुस्तकालय, ग्रंथ एवं गुरुकुलों को बचाने के लिए नए स्थापित करने की सरकार और सनातनियों ने अपील की। संतों ने कहा कि सनातन धर्म की परंपराओं को सहजने के लिए अब युवाओं को ही इसकी बागडोर संभालनी होगी, जिससे कि विश्व में सनातन धर्म का परचम हमेशा लहराता रहे। कार्यक्रम के आयोजक समाज सेवी भाजपा नेता संजीव शर्मा एवं योगी यूथ ग्रेड के अध्यक्ष अजय तोमर, शिवम शर्मा, ब्रजेश शर्मा ने सम्मेलन में आए हुए अतिथियों का फूल माला दुपट्टा पहनाते हुए स्मृति चिन्ह देकर सम्मान और स्वागत किया। संत सम्मेलन में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में स्वामीहरदास पीठ के महंत मोहिनी बिहारी शरण, श्री महालक्ष्मी पीठाधीश्वर क्रांतिकारी संत स्वामी सत्यमित्रानंद, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष याचिकाकर्ता एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह, कथावाचक साध्वी ब्रजकिशोरी, अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज, आचार्य सौरभ राघवेंद्र, आचार्य बद्री श्यामानंद पंडित, पंडित भागेंद्र व्यास शास्त्री आदि मौजूद थे। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को जैसे महिषासुर का वध किया, शुंभ निशुंभ का वध किया, देवी भागवत में जिस प्रकार वर्णन है। तो यहाँ पर कार्यक्रम इसी वजह से किया जा रहा है कि नारी शक्ति को जगाया जाए, सनातन को आगे बढ़ाया जाए, हिंदू धर्म को जगाया जाए और जो छोटे छोटे बालक हैं उनमें जो धर्म है, जो भक्ति है और देश के प्रति जो प्रेम सौहार्द होना चाहिए, कूट कूट करके भरा जाए। हाँ, खासकर मैं खासकर बेटियों के लिए कहूँगी कि आने वाले इतिहास की कहानी बन सकती है, बहते हुए झरनों की रवानी बन सकती है और ज़्यादा तो कुछ नहीं, अगर अपनी पर आ जाए तो ये नारी झांसी की रानी भी बन सकती है। तो नारियाँ अपने आप को पहचाने, बेटियाँ स्वयं को पहचाने, वो अबला नहीं है, वो सबल है। आज की द्रौपदी को कृष्ण की ज़रूरत नहीं है, आज की द्रौपदी को इतना सक्षम होना चाहिए कि वो स्वयं अपने जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनका मुकाबला कर सके, उनका डटकर के सामना कर सके। तो मेरी जय श्री कृष्ण बनना चाहिए। तो हमने इसको लेकर के मथुरा कोर्ट में केस डाला, लेकिन अब ये केस अभी हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं और अभी मामला मुस्लिम पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अभी इसमें 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कि ये केस मथुरा में चलेंगे कि इलाहाबाद में चलेंगे। इसके बाद इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा और हम चाहते हैं, हमने न्यायालय से निवेदन किया है कि अलग बेंच बनाई जाए, जैसे अयोध्या के लिए बनाई गई थी। तो हम चाहते हैं कि जन्मभूमि के लिए अलग बेंच का गठन हो और डे टू डे इसकी हियरिंग हो, क्योंकि अब हिंदू ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। 70 साल की लड़ाई लड़ने के पक्ष में कोई नहीं है। तो हमने न्यायालय में ये अनुरोध किया और एक्सपर्ट लगाई है कि तुरंत सुनवाई हो जाए और हम चाहते हैं कि ये पूरी भूमि जो हमारी है, चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे नगर निगम का रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे हिस्ट्री की किताब देख लीजिए, जितने भी एविडेंसेस हैं सब हमारे पक्ष में, यानी हिंदू पक्षकारों के पक्ष में है। तो हम चाहते हैं कि इन सबको सुन करके माननीय न्यायालय शीघ्र से शीघ्र निस्तारण हो और भगवान कृष्ण का शीघ्र भक्त मंदिर का निर्माण हो, ऐसा मान रहा है। तो हम इसी को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि जितनी एविडेंसेज हमारे पास में, जितने डॉक्यूमेंट हमने कोर्ट में दाखिल किए हैं, एफिडेविट के साथ दाखिल किए हैं, तो हम मानते हैं कि मंदिर का शीघ्र निर्माण होगा और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। यह गठन हुआ है नया, एक ये धर्म रक्षा ट्रस्ट बनाया है जिसका प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर जी हैं और उसका आज चौथा स्थापना दिवस है। इस यूथ ब्रिगेड के संगठन का यही उद्देश्य है कि जैसे अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, मुख्य धारा से जो हमारे युवा हैं वो भटक रहे हैं, विधर्मी जिस तरह से हमारे धर्म पर अटैक कर रहे हैं, हमारे रामायण की प्रति अन्य नेताओं, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा फाड़ी जा रही हैं, तो उसकी जागरूकता के लिए ये एक संगठन हिंदुत्व को एजेंडा लेके आगे बढ़ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और उसके प्रति जागरूक करना। संत सम्मेलन हुआ है, आप इसको क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
आज आप जो विशाल ये संत सम्मेलन का विशाल रूप देख रहे हैं, दिव्य और भव्य, आज योगी युद्ध के बैनर तले श्रीमान कुमार अजय तोमर जी के द्वारा जो किया गया है और उनकी टेक्निकल सभी टीम के द्वारा, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य है, इस समय समाज में व्याप्त जो इस तरह से नाना प्रकार से, जैसे हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, संपूर्ण देशवासियों को शुभकामनाएं, समस्त नगरवासियों को, तो अपने अपने जो चित्र हैं आप देख रहे हैं, धार्मिक चित्रों को लेकर के नाना प्रकार से नालियों में डाला जाता है, इनका दुरुपयोग कम किया जाए और इसका संदेश है समाज के अंदर बुराइयों को मिटाया जाए। आज हम जिस तरह से भ्रूण हत्या देख रहे हैं, जिस तरह लव जिहाद की स्थितियां देख रहे हैं, उनको सबको मिटाने के लिए संस्कार कैसे दिया जाए, स्वावलंबन परिवार कैसे बनाया जाए, जो समाज दशाहीन हो गया है, शिक्षा के माध्यम से उनको मूल धारा में कैसे लाया जाए, उसी हेतु से आज ये विशाल जो है संत सम्मेलन किया गया है, जिसके बैनर तले आज आप लोग समाज की जो भिन्न भिन्न बुराइयां हैं उनको मिटाने के लिए संतों ने